सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार फिर से नई वीडियो में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको भी इंस्टाग्राम पर कोई डायरेक्ट मैसेज कर देता है तो वैसे में आप अपने डायरेक्ट मैसेज को कैसे बंद करेंगे, कैसे ब्लॉक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम को जो डायरेक्ट मैसेज होता है, जो कोई मैसेज कर देता है तो अपने मैसेज को इंस्टाग्राम पर कोई भी आपका कोई फॉलो भी नहीं करता है लेकिन मैसेज कर देता है डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट मैसेज को कैसे बंद करेंगे, कैसे इनेबल के आप ऑन से इनेबल कर देंगे और यहाँ से कैसे आपको बंद करना है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो को हमारे पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सो गाइज, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं थी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं फिर से कोई नए नए वीडियो डालूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है और इंस्टाग्राम पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाता है। तो फ्रेंड, आपको इंस्टाग्राम पर कोई फॉलो भी नहीं करता है लेकिन मैसेज कर देता है तो देखिए कैसे क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे ऊपर प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पर आने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ आपको सबसे ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा लेकिन आपको यहाँ से प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा तो मैसेज वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा है मैसेज कंट्रोल, यहाँ से अपने मैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा है, यहाँ पर लिख रहा है यूअर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से जो डायरेक्ट कोई मैसेज करता है तो यहाँ से डन टी, यहाँ से रिसीव रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से डन रिसीव रिक्वेस्ट पर आप टिक कर देंगे तो कोई भी आपका इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मैसेज नहीं कर देगा। तो देखिए यहाँ से आपको सेटिंग कर देना है डन और इस तरह से ये आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद सेटिंग कर देना है, करने के बाद यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा अदर पीपल, यानी कि अदर कोई फॉलो भी नहीं करता है और आपके पास मैसेज भी कर देता है। तो फ्रेंड वैसे में अपने बंद कर सकते हैं। जैसे कि अदर ऑन फेसबुक से कोई आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देता है तो देखिए आप क्लिक करेंगे इस पर और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से आपको फेसबुक से कोई मैसेज कर देता है इंस्टाग्राम से तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं सबसे नीचे है डन रिसीव रिक्वेस्ट, इस पर टिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये बंद कर सकते हैं। और देखिए फिर से आपको नीचे दे रहा है अदर ऑन इंस्टाग्राम, तो यानी कि अदर कोई फॉलो भी नहीं करता है और आपको कोई मैसेज करता है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। जैसे कि इस पर आपको ऑटोमेटिक टिक लग जाएगा और यहाँ से आपको करने के बाद देखिए आपको नीचे मिलेगा ग्रुप चैट, यहाँ से हु कैन ऐड यू ग्रुप, तो इस तरह से करने के बाद आप देख सकते हैं अलाउ एक्सेस टू मैसेज, यहाँ से चाहे तो अलाउ कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से ये आपको बंद करना है जो कोई भी आपका डायरेक्ट मैसेज नहीं करेगा। तो फ्रेंड अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज को ब्लॉक करना है, बंद करना है तो इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं फिर से कोई नए नए वीडियो डालूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलते अगले वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।